अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे है कुछ दोपहर का, यह दोपहर और मतलब स्टार्टिंग की दोपहर का टाइम है। और यहाँ पे मेरी बहन जो है कोन बना रही है और मुफ्सी जो है सता रही है। और यहाँ मेरी नानी को है मेहंदी लग रही है। मेरी नानी है, ये उनको बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का, अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत शौक है मेहंदी लगाने का। बहुत सी चीज़ें ना मेरी नानी की मेरे अंदर आई, बहुत सी चीज़ें। और ये जो है बच्चा जो है रो रहा है, इसको चाहिए मुफासा या मुफ्सी। इसलिए चाहिए क्योंकि उन लोग के जो है बाल है उसको नोचना था। तो मैं उसका माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा है। कैसा किस तरीके से रो रहा है वो। तो यहाँ पर उसको वो चाहिए थी, मुफ्सी चाहिए थी या मुफासा। उसके बाल देखो देखो देखो, इस तरीके से उसको बाल नोचना है। बहुत मज़ा आती है उसको बाल। देखो नहीं मिल रहा है तो कैसा रो रहा है। और मुफासा जाके दूर बैठ गया। और यही सब चल रहा था। अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, क्या बोलूँ मैं भी? मतलब ये नहीं अच्छा लगता है कि मुफासा को मार रहे है, बट ये है कि उसकी शरारतें उसकी मस्ती देखने अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक हाथ पे लग गई, अब दूसरे हाथ पे लग रही है मेहंदी। आगे लग रही है, पीछे फिर लगेंगी। और मेरी बहन का चैनल का नाम है हेना बाई तहसीन। उसके भी चैनल को जाके आप सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। और ऑर्डर वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो। एक हाथ में जो आगे लग गई है, अभी दूसरे हाथ में लग रही है। यहाँ पे इसका रोना वैसे ही चालू है। अभी मुफ्सी की बारी है, मुफ्सी चाहिए उसको उसके बाल नोचने के लिए। देखो, और यही सब चल रहा था हमारे घर में। खाना पीना हो गया था, मेहंदी लेके बैठे थे। खाना पीना खा के हो गया था, शाम की चाय वगैरह फिर चलेगी। इनकी मेहंदी लग गई है, आगे पीछे दोनों तरफ पूरी लग गई है। मम्मी यहाँ पे ये लगा रहे हैं। जब तक ये लगाओ नहीं तो आधी अधूरी लगती है मेहंदी। तो यही लगा रहे हैं मम्मी। और फिर ना थोड़ी देर में धुल भी देते, बहुत जल्दी धुल देते। तो यहाँ पे अभी ये लग रही है मेहंदी। उनको ना मेन बहुत जल रही थी हाथ में मेहंदी, तो इस वजह से निकाले। नहीं तो रखते थे, बहुत देर तक रखते थे, बट ना बहुत जल रही थी हाथ में, पता नहीं क्यों, बट बहुत जल रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर निकाल दिया उन्होंने। और आपको आगे बताती हूँ सब क्यों हो रहा है। वैसे तो आपको पता ही चल ही गया होगा, अब तक नहीं पता चलाएगा क्योंकि फाइनल बात तो मैंने आपको बताया, मतलब क्या हो रहा है तो बता ही नहीं हूँ। और देखो थक भी गए ये, मेहंदी लगा के अब सो रहे हैं। थक गए बैठे बैठे, अब सो रहे। और ये जो भाई साहब है ये पालक खा रहा है। और किस तरीके से खा रहा है, और इतना मगन हो गया है खा के। यहाँ मम्मी पालक साफ़ कर रहे हैं। और हमारी जो भाजी तरकारी कभी कभी हम ऐसे बाहर लेके बैठ जाते हैं साफ़ करने के लिए। और ये पालक जो मम्मी साफ़ करे, वही पालक साफ़ कर रहा था, साफ़ कर रहा था, खा रहा था। उसको इतना अच्छा लग रहा था, मतलब उसने ना कम से कम एक से दो तक से चूस चूस के उसने खा ही लिया। बहुत रोतड़ू है बहुत। कोई भी जाएगा आएगा तो उसको लेके जाओ, बस। कोई भी रहे, छोटा बच्चा रहे या बड़ा बच्चा रहे, कोई भी रहे उसको लेके घूमते रहो बस। अगर कोई चीज़ मिल गई उसको, कोई चीज़ मिल गई उसको खाने की या चुप, मतलब टाइम पास की, तो फिर वो चुप बैठ जाएगा, नहीं तो फिर रोना 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 चालू रहता उसका। और फिर उसके बाद जो है मैं पर्दे वगैरह चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं पर्दे चेंज कर रही हूँ और बाकी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो कर देती हूँ। जो पुराने पर्दे थे ना वो चेंज करी, वो ईद के टाइम कुछ लगाए थे। और यहाँ पे जो पर्दे हैं अब मैं लगा रही हूँ चेंज करके। ये भी अच्छे लगते हैं पर्दे। यहाँ पर मेरी नानी ना कुछ ढूंढने आए थे। ये पर्दे भी अच्छे लगते हैं मुझे। और ये वाला जो पर्दा मैं निकाली वो भी पर्दे अच्छे लगते हैं, सूट होता है मतलब इधर। और ये दोनों दरवाजे पे ना एक जैसे ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ना फिर ये अलग अलग लगाओ ना अच्छा नहीं लगता।
बट अब जो है अब सेम ही लगाते हैं हम लोग, पहले लगा लेते थे बट अब नहीं लगाते, अब सेम ही देख के लगाते हैं। यहाँ पे पर्दे वगैरह भी लग गए हैं और अंदर की साफ़ सफाई भी हो गई, दोनों रूम की, सब रूम की साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई। और हमारा जो मुफासा है अब ठीक हो गया है, वो पहले से बहुत ठीक हो गया, माशाल्लाह बहुत ठीक हो गया। तो वो निकलने की उसकी बारी आ गई, मतलब बाहर घूमने की, तो ऐसे निकल जाता है। और फिर ये आ गया हमज़ा, इसका नाम हमज़ा है। और बहुत चीज़ों की हमने तैयारी करी यहाँ पे, बहुत चीज़ों के लिए, पर्दे वगैरह चेंज करना था, सब करना था, पर्दे चेंज करना है और डेकोरेशन वगैरह करना है। यहाँ पे तैयारी भी शुरू हो गई है, पर्दे वगैरह लग रहे हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे खाना ये बनाई थी मैंने, पालक भरी दाल, पालक भरी मतलब पालक उड़द की दाल रहती है, उसको मसाला वसाला लगा के पकाते हैं, मसाला डाल के पकाते हैं मतलब, और अच्छी टेस्टी लगती है। तो कुछ नहीं रहता तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। और ये पाइप है एसी का, इस तरीके से उसका कुछ इंतज़ाम करें, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी यहाँ पे होल करे है बट पाइप अभी लगाए नहीं है, तो अभी पाइप भी लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह मार रही थी, तो मेरी जो मौसी है वो आगे पीछे ही घूमती है, जब भी झाड़ू लगाऊंगी, चाहे वो रो रूम ये रूम में बैठे रहे और मैं किचन वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी ना, तो वो रूम में भाग के आती है। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है, झाड़ू मारूँ या पोछा करूँ, पीछे पीछे से आ जाती है फट से। और देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मुफासा भी ऐसे ही था, कुछ भी काम करो तो आके बैठ के देखता था। और मेरी मुफसी भी ऐसी थी। अब यहाँ का जो है झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइनल बता दूंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, उसके लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और झाड़ू वगैरह लग रही है, बहुत कचरा हो गया, तो बहुत क्योंकि ये ना थोड़ा बहुत पर्दे वगैरह की तरफ से जो भी मतलब का होता है ना चेंज करने पे, सब गंदा हो गया था मतलब घर। और फिर उसके झाड़ू पोछा वगैरह कर दिए अभी, थोड़ी बहुत बाहर भी गंदा हो गया था तो फिर बाहर भी लगा दी झाड़ू मैंने। यहाँ तरफ है ना पूरा उड़ उड़ के कचरा आ जाता, तो इसी तरफ से मैंने झाड़ू मारी, क्योंकि बाहर का हो चुका था, थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, तो वो झाड़ू वगैरह लगा दिए। अभी पोछा भी लगा दूँगी, और इससे पोछा लगाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजीली झाड़ू पोछा सब हो जाता है। मैंने ना बाहर की वजह से ये मंगाए थे, तो बाहर भी यूज़ होता है घर में भी यूज़ होता है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा हो जाता है ना माल पोछा करना, तो इस वजह से। और यहाँ पे अब मुझे लग रही है पैर में मेहंदी, फिर उसके बाद भी हो जाता है गंदा घर, मेहंदी से बहुत कचरा हो जाता है, फिर मैंने झाड़ू वगैरह मारी पोछा करी हूँ। और फाइनल अब यहाँ पे जो मुझे मेहंदी लग गई है पैर में, बहुत सिंपल सी लगाई हूँ पैर में, और यहाँ पे हाथ पे भी लग गई है, हाथ में भी बहुत कम लगाई हूँ। और यहाँ पे आपको मैं डेकोरेशन दिखा देती हूँ, किस तरीके से हमने डेकोरेशन करे है और क्यों करे है, वो आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर से देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखो सब तैयारी कर ही रहे हैं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखें, बाय।